जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है जो गणित के ट्रिक सीखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इस ट्रिक को जानते होंगे, लेकिन आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ नया सीखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल में आपको गणित से संबंधित बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां पे जो लिंक दिए हुए हैं उनको आपको देखना है, या फिर इस वीडियो के आई बटन में ही बहुत सारे वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा जिसे आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है, लेकिन बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि गणित को इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो बच्चे जो है खेल खेल में ही सीखते हैं। तो आइए आज हम खेल खेल में ही सीखते हैं। और दोस्तों, एक बात आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर में जो सब्सक्राइब लिखा है उसको एक बार क्लिक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो का लाभ उठा सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं। ये प्रश्न नहीं है, एक प्रकार का ट्रिक है जिसके बारे में आपको सोचना है। देखिए, पहला, क्या आप कोई भी संख्या ऐसा जानते हैं जो किसी संख्या को डबल कर दे? ध्यान दीजिएगा, मैं इसको एक बार पुनः पढ़ देता हूं। मतलब कोई भी संख्या डबल हो जाता है, वो कौन सा ट्रिक है? मतलब आपको एक संख्या को डबल करना है, उसके लिए मुझे उस संख्या में क्या करना पड़ेगा? गुना करना है, जोड़ना है या घटाना है? ठीक है, वो संख्या डबल हो जाएगा मतलब वो संख्या दो बार हो जाए। जैसे मान लीजिए मेरे पास 25 है, तो सामने में एक बार और 25 लिखा जाना चाहिए। ठीक है, या फिर ये दो अंकों का है तो ऐसे ही तीन अंकों का भी। भाई ये इसलिए मैं इसको विशेष रूप से बोल रहा हूं, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम इस प्रकार डबल करते जाएं? अगर वो चार अंकों की संख्या है, जैसे 4, 5, 6, 7 है, तो वो क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, 7 दो बार हो जाएगा ऐसा। तो उस ट्रिक को आपको मुझे बताना है, और हाँ, इस ट्रिक को जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये पहला ट्रिक हो गया। अभी मैं केवल प्रश्न बता रहा हूं आपको, आपको इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, दूसरा, क्या आप 111 का पहाड़ा बनाने का ट्रिक जानते हैं? वो पहाड़ा नहीं है, लेकिन एक शानदार ट्रिक है। जी हाँ, तो आपको वो ट्रिक भी बताना है यदि जानते हैं तो। ठीक है, फिर ये एकदम मोस्ट आईएमपी है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है, क्या आप 24 व्यक्तियों को 6 कतार में इस प्रकार खड़ा करना है, मतलब 6 लाइन में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक कतार में 5 व्यक्ति हो। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति कितने हैं? 24, और कितने कतार बनाने हैं? 6, और प्रत्येक कतार में कितने व्यक्ति होने चाहिए? 5 व्यक्ति होने चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये असंभव है। हाँ, आप लोगों में कई लोग हैं जो इनको जानते हैं और आप सभी प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये सब पता है तो वीडियो को यहीं पर रोक दीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं, कोई भी संख्या डबल हो जाए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, वो कौन सा ट्रिक है? तो इस ट्रिक के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। मान ले जाए हमारे पास कोई संख्या है, मान ले जाए हम दो अंकों की लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर बताया था 25, तो मैं 25 ही ले लेता हूं। इसको यदि हम, ध्यान दीजिएगा, यदि ये दो अंकों की संख्या है तो यहां पर हमें तीन अंकों की संख्या से गुना करना पड़ेगा, और वो संख्या कोई खास नहीं है, बहुत सरल सा है, बट खास तो है। क्यों खास है? ये देखिए, 101। देखिए, ये दो अंकों का है और ये तीन अंकों का है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है, आप करके देखिए, है ना? मैं तो कर लिया हूं। यहां पर मान ले जाए कोई संख्या है 46, इसको यदि आप गुना करते हो 101 से, निश्चित रूप से आपका आंसर जो है इतना ही आएगा। आप करके देख सकते हैं। बस याद रखिए, यहां पर कोई भी दो संख्या लीजिए और यहां पर तीन संख्या लेंगे, तीन डिजिट का संख्या लेंगे, वो 101 होना चाहिए। और रुकिए, ये यहीं पर नहीं रुकता है, ये ट्रिक तो आगे भी काम करेगा।
मान लीजिए आपने कोई संख्या लिया 146, कोई भी तीन डिजिट का संख्या आपने लिया, इसको आपको गुना करना है, ये भी डबल हो जाएगा यदि इसको हम गुना कर दें इससे। आप करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं उतना 100% आएगा, निश्चित है। आप मान लीजिए यहां पर कोई संख्या लेते हैं 2, 4, 6, तो यहां पर आपको गुना करना पड़ेगा इतना से 100%, 1001 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 246 ही आएगा, मतलब इतना आएगा ही। करके देख लीजिए, ये गणित का बेहतरीन ट्रिक है, और ये यही नहीं रुकने वाला है, ये तो आगे जाएगा। कैसे आगे जाएगा, मान ले जाए आपने कोई संख्या लिया 4 अंकों का, देखिए मैंने 4 अंकों का लिया, तो यहां पर जो मैं गुणा करूंगा वो संख्या कितने अंकों का होना चाहिए, वो 5 अंकों का होना चाहिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और कितने अंकों का था, 1, 2, 3, 4 अंकों का, तो कितना आ जाएगा 2446 है, तो 2446 है, एक बार और आएगा 100%। ये आंसर एकदम परफेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार के ट्रिक को आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको जरूर बताइएगा, बहुत मजा आएगा, और बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको करते हैं। अरे भाई आप उनको ये संख्या दे दो और इनको दे दो ना, और उनको गुना करने के लिए बोलो, जब गुना करेगा तो इतना आएगा, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। आइए अब हम इस दूसरे ट्रिक पर चर्चा करते हैं, तो इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। तो आइए यहां पर चर्चा करते हैं, तो चलो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब हमें 11 का पहाड़ा जो है बहुत ही आसानी से याद है, तो क्या हमें 111 का पहाड़ा आसानी से याद नहीं होगा? लेकिन मैंने ट्रिक पूछा था, ट्रिक, तो ऐसा कौन सा ट्रिक है? तो ध्यान दीजिए, यदि कोई भी संख्या, मैंने ट्रिक पूछा था, तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, यदि 37 को गुना किया जाए किससे, 3 के पहाड़ा से। ध्यान दीजिएगा, मैं 3 की पहाड़ा की बात कर रहा हूं, यदि 3 की पहाड़ा से इनको हम गुना करते जाए कंटिन्यू, तो आपको 3 × 3 × 6 × 3 × 9, उसी प्रकार आपको करते जाना है 3 × 4 = 12, तो आपका जो इसका आंसर है वो बड़ा ही शानदार तरीके से प्राप्त होगा। आगे मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आगे आपको करना है। इसका आंसर आएगा 111, 222, 333 और 444। निश्चित रूप से इसको जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका पहाड़ा इसी प्रकार मिलता जाएगा, जो एक 37 का बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस याद रखना है 37 को 3 के पहाड़ा से गुना करते जाना है, आपको एक शानदार तरीके से ये मिलेगा, बच्चे को बहुत पसंद आता है। अब आते हैं हम अपने मेन प्रश्न पर। जी हाँ, शानदार जो प्रश्न है इस, तो आइए दोस्तों अब हम इस शानदार प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो इस प्रश्न को कितने लोगों ने सही हल किया, ठीक है, चलो मैं चर्चा करता हूं। मान लीजिए यहां पर देखिए 24 व्यक्ति है, इसको मैं 6 कतार में लगाऊं, तो 24 व्यक्ति को मैं 6 कतार में लगाऊं, तो देखो लिखा है 5 व्यक्ति होना चाहिए प्रत्येक कतार में, तो मैं 6 लाइन बनाता हूं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन, देखो 6 लाइन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, प्रत्येक कतार में 5, तो देखो 1 हो गया 2, 3, 4, 5, यहां पर भी 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, इसके करके 1 हो गया 2, 3, 4, 5, ये भी 2, 3, 4, 5, यहां पर भी 2, 3, 4, 5, अब देखो हमारे पास कितने लाइन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कतार हुआ, और प्रत्येक कतार में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है, ठीक है। तो आप इनको जब जोड़ोगे तो गिनो ना, 5, 1, 5, 5, 2, 10, 5, 15, 5, 26, 5, 25, 25, 5, 6 का 30, कितने व्यक्ति हो गए, 30, और हमको लेने कितने हैं, 24 व्यक्ति, मतलब इस प्रकार तो हम लाइन में खड़े नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। इसका मतलब ये है आपके पास, अगर इस प्रकार मैं खड़ा कर रहा हूं ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास व्यक्ति कितने हो जा रहे हैं, 30, और हमारे पास वास्तव में कितने व्यक्ति हैं, 24। इसका मतलब ये है, ये जो 30 में यदि मैं 24 को माइनस कर दूं, तो ये जो 6 आ रहा है ना, यही महत्वपूर्ण है, ये जो 6 है वो क्या है, प्रत्येक रो में एक ऐसा व्यक्ति है जो कॉमन है, मतलब 2 रो में एक व्यक्ति कॉमन है, मतलब इन 6 व्यक्ति को ही आपको ध्यान में देते हुए क्या करना है, रो बनाना है। तो इसका रो कैसे बनेगा, इसका जो लाइन है, जो पंक्ति बनाएंगे वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए हमारे पास 30 व्यक्ति नहीं है, केवल 24 व्यक्ति है, इसको मैं किस प्रकार खड़ा करूंगा, देखिए देखिए मैं यहां पर कर देता हूं 1, देखो हमें यह तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति होने चाहिए, तो हम यहां पर देखते हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, एक
पंक्ति हो गया, देखिए एक लाइन हो गया है और इस लाइन में मैंने पांच ही व्यक्तियों को खड़ा करा है, एक दो तीन चार और पांच। अगला पंक्ति में जो बनाऊंगा ना वो यहीं से बनाऊंगा, देखिए एक दो तीन चार पांच, देखिए एक दो तीन चार पांच। अगला बनेगा वो यहां से बनेगा, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। आप लोग देख रहे हो कि प्रत्येक पंक्ति में पांच होता रहा, एक दो तीन चार पांच, एक पंक्ति ये हो गया, एक पंक्ति ये हो गया था, एक ये हो गया, एक दो तीन चार पांच। एक यहां से बनाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच हो गया, सॉरी पांच हो गया ये। यहां पर भी देखिए ये पांच हो गया, अपने पास कितनी पंक्ति हुआ है, एक दो तीन और चार ही हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से फिर चालू करते हैं, एक तो ये हो गया, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार और ये हो जाएगा पांच। तो आप देख सकते हो ये एक लाइन ये हुआ, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा। और आपको क्या लिखा गया है यहां पर, 24 व्यक्तियों को छह पंक्ति में खड़ा करना है, छह कतार में खड़ा करना है और प्रत्येक कतार में कितने व्यक्ति होने चाहिए, पांच। तो यहां पर देखिए एक और बचा है, देखिए एक दो तीन चार और ये करके पांच। अब आप देख सकते हो हमारे पास कितनी पंक्तियां हो गया, देखिए गिन सकते हैं, यहां पर हो गया एक, ठीक है, ये दूसरा पंक्ति है, ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है और ये छठवा है। अब आप गिन सकते हैं इसमें 24 व्यक्ति ही है। हाँ देखिए, अब ऐसा मत गिन देना यहां पर पांच एक पांच, पांच दो दस, पांच पंद्रह, पांच छब्बीस, पांच पंचे पच्चीस और पांच छह का, ऐसा नहीं है भैया। आप देखिए जैसे यहां पर मैंने गिना एक दो तीन चार पांच, तो ये पांचवा में ये वाला जो है यहां पर भी एक दो तीन चार पांच हो रहा है, तो मतलब इसको आप कितने बार गिन रहे हो, दो बार गिन रहे हो। तो याद रखिए इसको जब मैं गिनना प्रारंभ करूंगा एक दो तीन चार पांच, तो इसको अगले बार पांच में काउंट नहीं करूंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो पांच के बाद छह सात आठ नौ, मतलब दो पंक्ति मिलाकर नौ ही व्यक्ति हो रहा है, इसको आप दो बार गिन रहे हो, है ना, मतलब दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उसी प्रकार ये भी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब ये वाला जो है इस पंक्ति में भी काउंट हो रहा है और इस व्यक्ति में, इस पंक्ति में भी काउंट हो रहा है। तो उसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति में, मतलब प्रत्येक दो पंक्ति में एक व्यक्ति जो है कॉमन है। तो देखो एक दो तीन चार पांच, ये वाला इस पंक्ति में भी है और यही वाला इस पंक्ति में भी है, एक दो तीन चार और पांच। उसी प्रकार ये वाला इस पंक्ति में भी है और ये वाला इस पंक्ति में भी, उसी प्रकार ये वाला जो है इस पंक्ति में भी काउंट हो रहा है और इस पंक्ति में भी काउंट हो रहा है, और उसी प्रकार ये इसमें और इसमें दोनों में काउंट हो रहा है। अब आप इनको जब गिनोगे ना तो 24 ही होएगा। कैसे गिनते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है, यहां तक हमने लिखा तो ये हो गया 24, क्योंकि हमने यहां से गिनना प्रारंभ किया था 1। तो आप लोगों ने देखा इस प्रकार जब हम जमाएं तो हमारा जो शर्त है वो क्या हो गया, पूरा हो गया, छह पंक्ति बना और प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति आए, पांच व्यक्ति, और सभी मिला के कितने, 24 व्यक्ति ही हुए। तो बहुत शानदार था ना ये ट्रिक जो है। तो दोस्तों उम्मीद है ये ट्रिक आपको पसंद जरूर आया होगा, और यदि ये ट्रिक पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।